ओके, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो सारे? फिट? डाइजेशन अच्छे से हो गया? दिस इज आई एम होपिंग, है ना? डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? डाइजेशन की जो भी लाइंस थी हमने हर लाइन को कवर कर लिया, जो कुछ भी था तुमने हाईलाइट कर लिया, नई चीज़ें सीख ली और रिवाइज करते रहो। हालांकि मेरे पास कुछ और भी रिविज़न प्लान्स होते हैं, तो वो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी मैं नए नए चीज़ें आप लोगों को देता जाऊँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, द थिंग आई एम प्लानिंग इज कि एनसीईआरटी को मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पॉइंट वाइज में कन्वर्ट कर रखा ऑटोमेटिकली, मतलब पहले से ही मेरे पास सिस्टमेटिक चीज़ें पूरी बुक के फॉर्म में मैं अपने बच्चों को ऑलरेडी देता हूँ यहाँ पर, जो मेरे पास पढ़ते हैं अलग से। तो वो जितने भी बच्चे हैं उनको वो अलग सी चीज़ें मिल रही, फर्स्ट थिंग। अब अगर मैं उसमें से जो मेन कीवर्ड हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन कैन बी चेक्ड बाय स्पायरोमीटर, एक छोटी सी लाइन एनसीईआरटी में है, एक छोटी सी लाइन है, यस। तो स्पायरोमीटर को अगर मैं कट कर दूं और उनको एक शीट दे दूं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दें, देखो मेरा मानना है कि 90 क्वेश्चंस इज नॉट द लाइक पैरामीटर कि आपके पूरे टेस्ट या आपके पूरे सिलेबस को चेक कर रहे हैं। आपने 90 क्वेश्चन अच्छा कर लिया तो सिर्फ वो पर्टिकुलर 90 लाइंस आपने अच्छी की ना, यही तो। लेकिन लेकिन बेस्ट थिंग इज अगर आपने सिस्टमैटिक पूरे के पूरे चैप्टर को फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में अच्छा कर लिया, मान लो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, लाइक फर्स्ट लाइन उसमें कोई जो कीवर्ड है उसको मैंने हटा दिया, उसको डैश कर दिया, फिर सेकंड लाइन उसमें जो कीवर्ड है उसको मैंने हटा दिया, उसको डैश कर दिया। अब ये आपका टैलेंट है, हाँ पूरी लाइन होंगी एनसीईआरटी की, कोई भी लाइन नहीं छूटेगी, बट वो पॉइंट वाइज होंगी, पहला पॉइंट, फिर फुल स्टॉप के बाद एंटर कर दिया तो नई लाइन से स्टार्ट हो रही, पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं, वो पूरे लाइन के फॉर्म में, राइट। तो इस तरह से अगर हर लाइन कवर की जाए और पूरे एनसीईआरटी में, जो भी एनसीईआरटी की आपकी बुक है, मैंने लगभग 6 पेज में हर चैप्टर को मिनिमम मैक्सिमम जो भी लगा लो, मिनिमम 3 पेज 4 पेज और मैक्सिमम 6 पेज, इससे ज़्यादा कोई चैप्टर ही नहीं है, ठीक है, उसकी लाइन को चेंज कर दिया। बहुत लंबी लाइन है एक्सप्लेनेटरी तो उसको शॉर्ट में कर दिया, उसका कोई कीवर्ड नहीं मिस हुआ, वो मैंने स्पेशली ध्यान रखा है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि अब जब कीवर्ड नहीं मिस हो रहा है उसका और सारी चीज़ें कवर हो रही हैं तो क्या होगा फ़ायदा, मैंने उस कीवर्ड को हटा दिया, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन जो है वो कैसे चेक करेंगे, स्पायरोमीटर, मैंने वर्ड हटा दिया, उसकी जगह डैश लगा दिया। अब बच्चे को अगर वो लाइन आती है तो वो उसमें फिल कर देगा, ये मैं तुमको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा जस्ट आफ्टर दिस, ये पहले एक बार एनसीईआरटी सारांश कवर हो जाए तो एक राउंड पूरा ये ले लेते हैं, इसके बाद वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले कर लेंगे। हालांकि मैंने आपको बोल रखा है कीवर्ड्स की भी स्टार्ट करेंगे, बट इसको एक बार फ्लो में आ जाने दो भाई, एक शुरू नहीं हुआ दूसरा शुरू कर देने पर कन्फ्यूजन डेवलप हो जाती, जैसा पढ़ रहे हैं स्टेप वाइज सीक्वेंस में चलते जाएंगे ऑटोमेटिकली आगे की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगे। डोंट वरी, ये एक यूनिक सीरीज है, इस सीरीज के बाद एक दो सीरीज और लाऊंगा, आपकी एनसीईआरटी रटवाने की जिम्मेदारी मेरी, एनसीईआरटी के कंसेप्ट को प्लस पर अलग से समझा ही रहा हूँ, तो सारे बच्चे ज़रूर आ जाओ, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपके सामने, ठीक है। बट पढ़ना तुमको है, पढ़ना तुमको है, रिवाइज तुमको करना है रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। चलो तो अच्छा, टेलीग्राम पर ये सारे नोट्स मिल रहे हैं आप लोगों को, टेलीग्राम पर मैं सारी चीज़ें भेज ही रहा हूँ तुमको, तो रेगुलरली कनेक्टेड रहो, पढ़ते रहो, बाकी दोस्तों को भी बुलाते रहो। देखो पढ़ाई कहीं पर भी हो जाती है भाई, बच्चा यूट्यूब पर पढ़ रहा है, बच्चा कहीं पढ़ रहा है, लाइक दैट, बट ये जो चीज़ें हैं ना ये यूनिक हैं, ये कहीं और नहीं मिलती, तो इसको अच्छे से देखो, ज़रूर देखो, अभी देखो, चाहे रिकॉर्डेड में देखो, रिवीजन के टाइम में इसको देख लो, क्योंकि एक घंटे में आपका लगभग 3 घंटे लगा लिए और एक पूरा चैप्टर हर लाइन कवर हो गई, 3 पार्ट्स में कर रहे हैं ना अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, हर एक चैप्टर को 3-3 पार्ट्स में, तुमको शेड्यूल ऑटोमेटिकली टेलीग्राम पर भेज दिया है, अनअकैडमी 80 सर, ये टेलीग्राम है मेरा और जो ऑफिशियल है अनअकैडमी नीट प्रो, ठीक है। तो चलो, जो बच्चे मुझे जानते हैं वंडरफुल, और नहीं जानते तो माय नेम इज अनुराग तिवारी, आप लोगों को रोज एनसीईआरटी सारांश वाली इस सीरीज में मिलता हूँ और साथ साथ में लाइव पढ़ाता हूँ प्लस प्लेटफॉर्म पर और बहुत सी स्पेशल क्लासेस लेता हूँ अनअकैडमी पर। मेरी क्लासेस सारी फॉलो करने के लिए मुझे फॉलो कर लो एटी सर के नाम से, एटी सर अनुराग तिवारी सर, एटी सर, तो उन्होंने दिया है ये शॉर्ट फॉर्म के, सर ये अवेलेबल है दे दें, मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, तो एटी सर के नाम से तुमको मैं मिल जाऊंगा फर्स्ट थिंग। यही मेरा सब्सक्रिप्शन कोड भी है, कभी यूज़ करना हो तो 10% ऑफ भी मिल जाएगा। साथ साथ में हम लोग नीट यूजी प्लेटफॉर्म पर हैं, लेट्स क्रैक नीट यूजी यूट्यूब चैनल पर हैं, और मेरे साथ प्लस पढ़ना चाह रहे हो और डेली लाइव क्लासेस करना चाहते हो मेरे साथ, मेरे तरीके से कंसेप्ट को समझना चाहते हो, थोड़ा सा हटके समझना चाहते हो, हटके का फ़ायदा बताऊं क्या होता है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, मेरे साथ पढ़ोगे तो रटोगे कभी भी नहीं, हर चीज़ का कंसेप्ट समझोगे, ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें, आधी चीज़ें बिना रटे समझ में आ जाएंगी कि अच्छा इसका रीज़न ये था,
छोटी छोटी बातें। तो हर एक का सिस्टमैटिक फॉर्म बना रखा है, डेली लाइव क्लासेस हो जाएंगी, हर 3 दिन के बाद डाउट सेशन आप लोगों का रखता हूँ हमेशा, साथ में बहुत से वीकली क्विज और चैप्टर कंप्लीशन क्विज होती हैं। जैसे ही पूरा कोर्स कंप्लीट होता है एक बढ़िया सी टेस्टिंग हो जाती है, तो इससे इवैल्यूएशन हो जाता है मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ। और मेरी क्लास में मैं टॉप 10 को कभी भाव नहीं देता, मैं भाव देता हूँ उस बच्चे को जो 85% से ज़्यादा लेकर आ रहा है। भाई टॉप 10 में एक ही बच्चा एग्जाम दे तो क्या वो बहुत खुश हो जाएगा? समझ रहे हो मेरी बात? तो 85% से ज़्यादा तुमको मार्क्स लाने पड़ेंगे, फर्स्ट थिंग। साथ में सब कुछ सिस्टमैटिक है। हाँ, ये है कि मेरे साथ पढ़ोगे, मेरा कोड यूज़ करोगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ पढ़ रहे हो, अनअकैडमी पर जितने भी टीचर्स हैं उनके साथ भी पढ़ सकते हो। बस एंट्री का एक जरिया हूँ मैं, है ना, जैसे और भी टीचर्स हैं वैसे एंट्री का एक जरिया हूँ कि मेरे साथ पढ़ना शुरू करो, मेरा कोड यूज़ कर लो, बाकी टीचर्स के साथ में भी पढ़ना शुरू कर दोगे। हाँ, कभी कभी लगता है सर पापा कुछ गाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पापा का फील्ड डिफरेंट है, फादर जो आपके हैं, मदर का फील्ड डिफरेंट है, भाई बहन में कोई ऐसा नहीं जो गाइड कर पा रहा है। तो अनअकैडमी ने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन निकाला हुआ है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है, वो आपको गाइड करेगा आपकी जो भी क्वेरी है। जैसे अभी तक जितने भी बच्चे मेरे कोड के साथ में हैं वो मुझसे डायरेक्ट टच में हैं, मेरे से फ़ोन पर बात हो जाती है, व्हाट्सएप पर बातचीत हो जाती है, मैं पूछ लेता हूँ क्या चल रहा है, तो एक पर्सनल कोच के फॉर्म में है ना, तो वो पॉसिबिलिटीज़ तुम्हारी बन जाती हैं। बच्चा आप मेरे साथ में बैठ कर टाइम टेबल बना सकता है ना, टेस्ट एनालिसिस, सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में अनअकैडमी एक कोच प्रोवाइड करता है। तो अभी जैसे लगभग 18 बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ना, तो जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाले हैं, तो उनका रेगुलर जो है चीज़ें वीकली उनके रिव्यूज़ लेना, अब वो कितने बढ़ जाएंगे तो वो 30-40 से ज़्यादा बढ़ते नहीं। हाँ, प्लस के सारे फायदे। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन डिफरेंट हो गया, थोड़ा सा इसमें एडिशनल चीज़ें आ गई, और प्लस में तो सिंपल पढ़ाई हो ही रही है, डाउट उसमें भी सारे लिए जा रहे हैं। यूट्यूब प्लस आइकॉनिक, यूट्यूब पर सिर्फ पढ़ाई हो गई, बट प्लस पर डाउट, डिस्कशन, टेस्टिंग, एवरीथिंग पर्सनलाइज फॉर्म में, तुम्हारा कुछ भी छूटा नहीं। और आइकॉनिक के फायदे आप समझ रहे हैं, पर्सनल कोच, उसको और अच्छे से पर्सनलाइज फॉर्म में। बाइक चलाना है, एक तो यूट्यूब पर थियरी देखकर देखा जी ऐसे गियर लगता है, ऐसे एक्सेलेटर बढ़ाते हैं, और एक पीछे एक कोच बैठा हुआ बता रहा नहीं अब ऐसे जाओ, वैसे जाओ, यहां ब्रेक लगाना है। दोनों का फर्क है ना, बस वही सेम छोटा सा फर्क है। आइकॉनिक प्रिफर्ड है, आइकॉनिक प्रिफर्ड है, तो इसमें ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें ज़्यादा ही मिलेंगी आपको। कहाँ पर ये सारी चीज़ें करनी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाओ, इंस्टॉल करो, अपना टारगेट क्या रखो, नीट यूजी, है ना, नीट यूजी, उसके सब्सक्रिप्शन पर जाओ, प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, और इसके बाद दो ऑप्शन मिलेंगे, प्लस और आइकॉनिक, प्लस और आइकॉनिक दो चीज़ें मिल रही हैं, फर्स्ट थिंग। अच्छी बात ये कि कोड मेरा क्या है जिससे तुमको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, एटी सर, है ना, दिस इज़ माई कोड, यही मेरा अनअकैडमी पर प्रोफाइल आईडी भी है, 80 sir 27,000, है ना, एक साल का प्रिफर्ड है 27,000, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर 6 मंथ का ले लें, प्रिफर्ड 12 मंथ है, बाकी तुम्हारी मर्जी। साथ साथ में अगर 11th के हो तो ये ज़रूरी है, कंपल्शन है, तुमको 24 मंथ का लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली। अगर इस 32,400 को डिवाइड करोगे ना 24 मंथ से, तो ये कितना आ गया, 1,350 rupees पर मंथ, इतना सस्ता। एक दूसरा, इसको भी 30 से डिवाइड कर दो और फिर 3 से डिवाइड करो, 30 से मतलब डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो, है ना, और 30 दिनों में पढ़ रहे हो, तो इसको डिवाइड करोगे तो 45 rupees आ जाएंगे, अगर इसको 30 से डिवाइड करोगे, और 3 से फिर डिवाइड कर दो कि बायोलॉजी या पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितने रुपये में, 15 रुपये एक दिन की के चार्जेस हैं बच्चे, 15 rupees ओनली, 15 रुपये में आप टॉप एजुकेटर किसी से साथ भी पढ़ सकते हो बायोलॉजी, 15 रुपये फिजिक्स डेली का कॉस्ट बता रहा हूँ, तो डेली 15 रुपये, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, फर्स्ट थिंग। पॉकेट फ्रेंडली, अच्छे टीचर्स, है ना, बेहतरीन डाउट सेशन, और एक कोच के साथ में बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ बन गई। हाँ, आइकॉनिक में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये फीस आपकी मेरे कोड के साथ में 40,000 और 54,900 पड़ जाएगी, 1 year or 2 year के लिए ना, 1 year or 2 year के लिए। कोड यही इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर भी यूज़ करना है तो कोड ये यूज़ कर लोगे तो 10% ऑफ हो जाएगा, और भाई मेरा भी नाम हो जाएगा, हाँ जी सर के कोड से खूब बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, तो उसका भी एक फ़ायदा अलग से है, वो तुम्हारा कोई नुकसान है नहीं उसमें, है ना, तो कोड यूज़ कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारे फेवरेट टीचर्स बहुत से हैं, है ना, अगर किसी का, मैं भी एक आध बच्चों का फेवरेट हूँ तो यूज़ कर लेना मेरा कोड, बस इससे ज़्यादा इसका कोई बहुत रोल नहीं। हाँ, मेरे पास मैसेज आ जाते हैं कि ये बच्चे मेरे कोड के थ्रू हैं, तो मेरी मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि उनको वो सब कुछ प्रोवाइड करना, ताकि उनके सिलेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएं, पढ़ना तुम्ही को है, समझ रहे हो ना, तो वो मॉरल ड्यूटीज़ में
एनसीईआरटी सारांश के क्वेश्चंस, बहुत सी थियरी, बहुत से रेगुलर डाउट डिस्कशन, बातचीत और एक अपडेट लेना बच्चे का, ये सब शामिल हो जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा, पैरेलल में जो प्लस कोर्सेज मेरे हैं वो एक दो दिन में लाइव हो जाएंगे, मैंने आज मैसेज फिर से पिन कर दिया है। तो कुछ कोर्सेज प्लांट फिजियोलॉजी के और ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस मंथ स्टार्ट कर रहा हूँ, एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। टेलीग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लो यार, क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। अनअकैडमी नीट प्रो, दिस इज दी टेलीग्राम ग्रुप लिंक जो ऑफिशियल है हमारा। मेरा अगर चाहते हो तो अनअकैडमी 80 सर, अनअकैडमी 80 सर, ठीक। और जब भी कभी प्लस लो तो मुझे प्रॉपर मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मैसेज कर दो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, काम भर के थोड़े से बच्चे आ गए हैं आज, मुझे लगता है एक दो टीचर्स की क्लासेस और भी हैं तो बच्चे डाइवर्ट हो गए, है ना, कि वहाँ भी चले जाते हैं, वहाँ भी चले जाते हैं, बट रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मैं ज़रा इसको क्या कर लूँ, यस ये कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फेरिक CO2, पढ़कर आए हो ना, पढ़कर आए हो, चलो। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाई सेल इज कॉल्ड एज, बहुत सिंपल सा है ना। एनसीईआरटी में छोटी सी प्यारी सी लाइन दे रखी है, स्टार्ट करो भाई। सबनम का आंसर आना शुरू हो चुका है, वंडरफुल, बहुत अच्छे, गुड इवनिंग। अरे काफी बच्चे आ गए मेरे वाले, है ना, सर बहुत अच्छा। सो ठीक है, सादिया है ना, वंडरफुल। टॉक्शी, थैंक यू बच्चा, थैंक यू टॉक्शी। चलो जी, तो फर्स्ट का आंसर आ गया क्या, ब्रीदिंग। एनसीईआरटी में मेंशन है या नहीं है ये बात, हाँ या ना, देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन, ये प्यारी सी लाइन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1 मिला। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोस्फेरिक विद CO2 प्रोड्यूस बाय विद द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो ना। हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय कैटाबॉलिक रिएक्शन इन अवर बॉडी इज, हाँ हाँ धीरेन है, ठीक है धीरेन, मुझे 8:30 कॉल करना ना, धीरेन 8:30 कॉल करना, राइट। और मैं एक छोटी सी चीज मैं जरूर बताऊंगा तुम लोगों को, अभी भी टाइम है। कुछ बच्चे अगर वेट कर रहे हैं, जी हम ले लेंगे बाद में प्लस ले लेंगे, तो अभी टाइम है ना, अभी जरूरी, इंपॉर्टेंट टाइम है, 8-7 महीने अभी पूरे कर सकते हो अभी ना। चलो सेकेंड, हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस्ड बाई कैटाबॉलिक रिएक्शन इन अवर बॉडी इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फिन या ओजोन। सेकेंड के आंसर्स आने शुरू हो गए। तो ये देखो, CO2 विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो सेकेंड का आंसर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म टू डैश ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज and to drive energy for performing various activities. Third का answer बताओ भाई, I'm waiting। चलो सारिका का आ गया, श्रद्धा है, ओशन है, wonderful। चलो तो third की बातें आप लोगों को बिल्कुल clear समझ में आ रही हैं, yes। Third की बातें बिल्कुल ठीक, third में भी answer आ गया। Oxygen is utilized by organism to indirect breakdown of simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर विल बी इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। यहां पर प्रॉपर क्या फिल करेंगे, इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन, कंसेप्ट हर लाइन से क्लियर होना चाहिए। अच्छा, जो मैं कह रहा था अभी कि अगर इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स में एनसीईआरटी की सारी लाइंस डाल दूं, ये तो एक लाइन हो गई, एक क्वेश्चन हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन नंबर 4th, दूसरा क्वेश्चन हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का। क्या अगर पूरी एनसीईआरटी को मैं ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आपको लिए डाल दूं और एक पूरी बुक आपको दे दूं, चैप्टर वाइज स्लोली, एकदम से तुम सोचो, मुर्गी के अंडे वाली कहानी पता है ना, कि वो सोने का अंडा देती थी मुर्गी, तो उसके मालिक ने सोचा इसको मार कर इसके सारे अंडे निकाल लूँ, तो ऐसा नहीं होता, स्लोली हर चीज़ें मिलती है ना। तो उसको हम लोग अलग से एक नई सीरीज़ में करेंगे, उसमें तुम्हारी और अच्छी रिविज़न होगी, बस साथ में लगे रहो बच्चों ना, साथ में लगे रहो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भेजो जल्दी से, वंडरफुल। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वैरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंड ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये देखो यहां पर लाइन छिपी हुई है, देखो ये मिला। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वैरीज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो चीजें, हैबिटेट
और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 4, प्यारा सा छिपा हुआ क्वेश्चन, अब हाईलाइट कर लेना अगर छूट गया हो तो बच्चों ना। तुम कभी ना पढ़ पाओ, कोई वर्ड छूट जाए तो कुछ भी मत सोचना, अरे मिस हो गया, कोई बात नहीं, मिस हुआ तो मिस हुआ, चलेगा दौड़ेगा, अब तो सीख लिया ना। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजन एंड CO2 अकर्स थ्रू द एंटायर बॉडी सर्फेस, अकर्स थ्रू वॉट एंटायर बॉडी सर्फेस, अच्छा वाला जल्दी से बताएंगे, फिफ्थ का आंसर। अरे नहीं प्रेम, है ना, आंसर हमारा क्या जा रहा है, फोर्थ में हमारे पास सी ऑप्शन जा रहा है बच्चों, ठीक है, जो बच्चे ए लगा रहे हैं, फिफ्थ का आंसर बताओ, इन विच ऑफ, यहां पर तुम्हारा थोड़ी सी नॉलेज लगेगी बस, वहां वहीं पर टेबल में दे रखी चीजें। तो गैसियस एक्सचेंज कहां से, एंटायर बॉडी सर्फेस से होता है, तो आपकी एनसीईआरटी में बड़ी प्यारी सी लाइन दे रखी है छोटी सी, स्पॉन्ज सिलेंड्रेटा फ्लैट वॉर्म्स, इसमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन डन बाई सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सर्फेस, डन, आंसर विल बी फाइव का, फाइव का क्या हो गया, स्पॉन्ज सिलेंड्रेटा और फ्लैट वॉर्म, है ना, तीनों बातें, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ देम, फाइव का डी, बातें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर। चलो श्रद्धा बेटा क्या करो ना, या तो लैपटॉप पे ओपन कर लो या फोन को टिल्ट कर लो तो चीजें ज्यादा अच्छी क्लियर दिख जाती, ठीक है। चलो मैं भी फोन पर ही देख रहा हूं, बगल में मेरे फोन रखा हुआ है, मुझे क्लियर दिख रहा है, तो बस थोड़ा सा टिल्ट करके देख लो। सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग विच रेस्पायर थ्रू बॉडी सर्फेस, तो देखो रेस्पायर थ्रू बॉडी सर्फेस मतलब स्पॉन्ज होना चाहिए, तो देखो साइकॉन स्पॉन्जिला है ना, एडम्शिया वगैरह की बात करें, फ्लैट वॉर्म में टीनिया वगैरह की बात करें, है ना, ठीक, ये सब नहीं होते, है ना, ये पाइला वगैरह नहीं होते, एंटीडॉन वगैरह नहीं होते, बात समझ पा रहे हैं, बाकी सारे हैं, तो इसका मतलब कितने कितने बचे, 1, 2, 3, है ना, 4, 5, 6, तो आंसर भी व्हाट, यहाँ पर सीधे सीधे 6 क्वेश्चन, बातें समझ पा रहे हैं, 6 का सी, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, आपने कैलकुलेट कर लिया, सिंपल समझेंगे ऊपर वाले से, फ्लैट फॉर्म कौन से हैं, सिलेंड्रेटा कौन से हैं, स्पॉन्ज कौन से हैं, बस ऐसे आपको पता लगाना है और एलिमिनेट करते जाओ, है ना। चलो भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किन सर्व एज एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन, तो ये मैंने कई जगह से उठाकर एक क्वेश्चन बना दिया। नाउ अच्छा इस बात को समझो, यहाँ पर आपको लग रहा है कि एक मेहनत है, यहाँ पर तीन मेहनत है बच्चे, तीन मेहनत, थ्री टाइप ऑफ लाइक सिस्टम जो मैं आपको दे रहा हूँ। पहला, एनसीईआरटी की हर लाइन को पढ़ना, दिस इज द फर्स्ट थिंग, जो कि नॉर्मल है मेरे लिए, मेरे भाई 7 साल हो गए। दूसरा, उसी एनसीईआरटी के लाइन से एमसीक्यूज बनाना जो तुम्हारे सामने है, सेकंड, और फिर उस एनसीईआरटी की लाइन को हाईलाइट भी कर देना कि हाँ इस जगह से ये क्वेश्चन आए, है ना, तीन तीन चीजें, अब उसके बाद एक्सप्लेन कर देना, नॉर्मल सी चीजें, तो जिसने कर रखा उसके लिए इजी हो गया, लेकिन फर्स्ट टाइम इसमें लगती मेहनत, तो मैं मेहनत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता हूँ यही सेम मेहनत तुम करो, ठीक है, इसके नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो, जो लाइनें नहीं है उसको हाईलाइट करो, तब फायदा होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किन सर्व एज, तो आपको पता है कि फ्रॉग में ऐसी चीजें होती हैं, हालांकि तुम यहां पर लिख सकते हो 7th का आंसर, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, और स्किन से रेस्पायरेशन को बोलते हैं क्या, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, लंग्स के हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पायरेशन, गिल से हुआ तो ब्रैंकियल रेस्पायरेशन, जो मेरी ओरिजिनल बुक है इसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं, बातें समझ पा रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो सिस्टमैटिक पढ़ते जाओ, तुम्हारी पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। चल, स्किन क्यूटेनियस, गिल्स ब्रैंकियल और लंग्स पल्मोनरी, ठीक है। चल अब यहां पर इसी से मैच कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग, मुझे एक चीज बहुत क्लियर है कि अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल है, यही बात है ना, मॉइस्ट क्यूटिकल, तो ए का 4, तो मैंने ये और ये उड़ा दिया, 8th का आंसर चाहिए, है ना, 1 और ये भी उड़ा दिया, अभी मेरे पास बचा सी और बी, 8th का आंसर बताओ भाई, राइट, 8th के, तो रजनी सबनम सैंडी ये सारे बच्चे खटक। अब यहां पर मुझे एक चीज देखनी, इंसेक्ट जो है वो कैसे काम कर रहा है, या चलो बात करते हैं इसकी, बात कर लेते, तो डी का 1 कहां लिखा हुआ है, तो डी का 1 तो चलो दोनों ही जगह है फिलहाल, ए का 4 हो गया, बी का क्या हुआ, बी की बात कर रहे हैं तो ये गिल्स हो गया, और ई का क्या हो गया, यहाँ पर ये भी गिल्स हो गया, तो ये कहानियाँ बिल्कुल क्लियर जा रही हैं यहाँ पर, तो मेरी कहानी आपको क्लियर होगी ना, तो 8th का आंसर क्या हो गया, बी, बिल्कुल क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है बच्चे, ट्राई करें, गलत ना हो। एम्फीबियंस एग्जाम्पल फ्रॉग रेस्पायर थ्रू,
फ्रॉग रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन या फिर लंग्स या बक्को फेरेंजियल कैविटी या सबसे हमें पता है कि ये जब मॉइस्चर में बारिश में या ऐसे में रहेगा तो मॉइस्ट स्किन से कर सकता है, लैंड पर इससे भी कर सकता है, और ये तो बक्को फेरेंजियल कैविटी है ही है, ठीक है। तो ये आप ऑल ऑफ देम बड़े प्यार से लगा सकते हो। तो नाइन्थ के आंसर्स डी चले गए बच्चों, नाइन्थ में आंसर्स क्या चला गया, सबसे कर सकता ना यार मॉइस्ट स्किन, अभी बताया कैन रेस्पायर, और लंग से तो करता ही करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर्स लगाने हैं, डी ऑप्शन ना, बिल्कुल ठीक। एडल्ट फ्रॉग डज नॉट रेस्पायर थ्रू, इस बात को समझो, एडल्ट हो गया तो अब लैंड पर आ गया, तो वो या तो बक्को फेरेंजियल करेगा या मॉइस्ट करेगा या लंग्स करेगा, ये गिल्स नहीं है अभी उसके पास, गिल्स उसके लार्वल एरिया में होते हैं ना, जब लार्वा होता है तब, तो आंसर विल बी व्हाट, गिल्स। तो कुछ सिंपल सिंपल सी बातें जो एनसीईआरटी में लिखी हैं लेकिन घुमा कर हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो उसको समझेंगे। एडल्ट फ्रॉग डज नॉट रेस्पायर थ्रू, ठीक है। तो आंसर 10 का क्या हो गया, बी, वंडरफुल। रजनी, अमलान, सारिका, मिराकल बॉय, ये कौन सा बच्चा है अपना, कोई मेन उसमें बच्चा आता है शायद ना, राहुल कह रहा है सर नाम तो ले लो नाम तो बनाना पड़ेगा राहुल, समझ गए तो अच्छी बात, बाकी तो इसी में पड़े रहेंगे हम। करेक्ट सीक्वेंस की बात करें, एयर पैसेज, सबसे पहले नेजल कैविटी है, ये बात तो बिल्कुल जम गई यहां पर, ये कहानियां क्लियर है ना, और सबसे लास्ट में एल्विलाई और ब्रोंकियोल है। अब ये बचा फैरिंग्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स और ब्रोंकाई, इससे सारी कहानियां समझनी है ना। तो ये बड़ी सिंपल सी लाइन यहां दे रखी है, अगर एनसीईआरटी में थोड़ा सा घुसो अंदर, तो फैरिंग्स फिर लैरिंग्स है ना, इस बात को समझो क्या बोल रहे हैं, फैरिंग्स फिर लैरिंग्स, ऐसे ऐसे वर्ड दे रखेंगे। इलेवंथ की बात कर रहे हैं, तो फैरिंग्स और लैरिंग्स ये सीक्वेंस दिया हुआ है, फैरिंग्स और लैरिंग्स है ना, यहां लैरिंग्स पहले नहीं आएगा और फैरिंग्स के बाद ट्रैकिया डायरेक्ट नहीं आता, तो एलिमिनेट कर दिया, मेरा काम बन गया, फैरिंग्स देन लैरिंग्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको आंसर बी सिंपल फॉर्म में चला गया, वंडरफुल। डेली 7:30 शाम को क्लास होती है ना, 7:30 शाम को पीएम ये क्लास होती है, जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी सारांश। इसमें हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, और तब पढ़ने में हमें ज्यादा पता चलता है कि एक होता लाइन पढ़ लिया जैसे पेपर पढ़ रहे हैं है ना, कि एडल्ट फ्रॉग डज नॉट रेस्पायर थ्रू दिस 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 हाईलाइट कर बात, जब क्वेश्चन से करते हो ना तो उसका फर्क पड़ता है, उसका फर्क पड़ता है, डायरेक्ट फर्क पड़ता है आपकी पढ़ाई पर, जब दिमाग को झटका लगता है अरे यार ये तो गलत हो गया, तब आप उसको ज्यादा याद रख सकते हो। तो दिस इज द लाइक रिवर्स मेथड ऑफ लाइक जो भी स्टडी करते हो आप लोग ना। अगेन इन मैमल्स वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाई, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन छिपा हुआ है और इसी से दो तीन क्वेश्चन मैंने बना दिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज याद कर लो, साइरिंग्स बर्ड्स में होता है बेटा है ना, एनिमल किंगडम में जब मैं कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली बता दूंगा, ठीक है। तो एक साइरिंग्स है, एक ब्रोंकस है, एक लैरिंग्स और एक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अच्छा, इनहेल करोगे तो वॉइस प्रोड्यूस होगी, ऐसा क्या, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। तो देखो बड़ा प्यारा सा 12, लैरिंग्स रीजन विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, और इसीलिए इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो लैरिंग्स, वॉइस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और वहीं पर आपका क्या मिलता है, वोकल कॉर्ड मिलता है वहीं पर। तो आपने आंसर यहां पर भी कर दिया 13 का, लैरिंग्स, बिल्कुल क्लियर, बातें समझ में आ गई। तो 12 का सी, 13 का बी, बातें समझ में आ रही, बिल्कुल क्लियर, कहानियां क्लियर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, अभी तक कोई परेशानी नहीं, तो 14 का बता दो, बातें समझ में आ रही हैं। चलो भाई 14th पर चलेंगे, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पर स्टार लगा सकता हूं, ये देखो ये स्टार लगा दिया। स्टार क्यों लगाया, क्योंकि ऐसे डाटाबेस क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जहां भाई लैरिंग्स सैरिंग्स ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ट्रस्ट मी, वोकल कॉर्ड लैरिंग्स को बोलते हैं है ना, वहां पर साउंड बॉक्स है, एडम्स एप्पल, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बट जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तब आपकी 11th की नॉलेज और एनसीईआरटी की बुक की जरूरत लगेगी। 14th क्वेश्चन है ना, और ये 14th मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, 14th ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री इंटू है ना। तो फिफ्थ थोरेसिक, थोरेक्स पता है ना, वर्टिब्रीज में हमारे पास सबसे पहला कौन सा, सर्वाइकल, फिर थोरेक्स, फिर लंबर, फिर सैक्रम, फिर कॉकिक्स। तो जो थोरेक्स वाला है जहां पर 12 हैं, उन 12 में से 5वें नंबर से ये डिवाइड कर जाता है 2 में,
है ना, तो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, इस वर्ड को समझो। प्लस पर आओगे तो कंसेप्ट इसके और थोड़े से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो 14th का आंसर हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गया है ना, वंडरफुल। तो आंसर क्या हो गया, फिफ्थ, 14th का फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 15, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इनटू फैरिंग्स इज गार्डेड बाय, बच्चे ये तो बड़ी कॉमन सी बातें हम लोगों को समझ में आ रही कि लैरिंग्स और फैरिंग्स में जो ओपनिंग है वो किससे गार्ड। तो देखो सैरिंग्स तो वैसे ही हटा दो, ये बर्ड्स में मिलती है, ट्रैकियल वॉल्व नहीं है, एपिग्लॉटिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था जो ट्रैकिया है ना, बात को समझना, उसके ऊपर एपिग्लॉटिस मिलता है, क्योंकि इसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, और ईसोफेगस की ओपनिंग को मैंने बताया था आपको ग्यूलेट। क्लियर, आंसर 15th का बी, वंडरफुल। श्रद्धा है, विश्वजीत है, रजनी है, सैंडी है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। कृतिका है, कृतिका ये बच्ची पंजाब वाली है क्या, पता नहीं, चलो। ग्लॉटिस इज अ पैसेज ऑफ, तो आपको सबको समझ में आता है ग्लॉटिस का मतलब क्या हुआ, ट्रैकिया की ओपनिंग, तो एयर से रिलेशन है इसका, ना कि फूड से, बातें समझ में आ गई। तो बच्चे लगाएंगे नहीं बोथ ए एंड बी, 16 की बातें कर रहे हैं है ना, तो 16 का सी लगा दिया सबनम ने, क्यों बेटा, जहां ए बी आएगा सब ठोक दोगे क्या, नहीं करना ऐसा, ठीक है, चलो वंडरफुल, बहुत अच्छे। तो आपको दिखाना है या समझ गए, वहीं पर लाइन छोटी छोटी लाइन, छोटी छोटी लाइन आपको समझना है, ठीक है ना, वो तुमको समझना है, हर लाइन को पढ़ो, अगली लाइन देखोगे तो ये क्वेश्चन होगा, यही सिस्टम है, यही सिस्टम है सारांश, सारांश की ब्यूटी यही है ना, तुम्हारे 38 चैप्टर कराऊंगा। और कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे, अच्छा मैं हमेशा तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो ये लाइव चैट नहीं, कमेंट, तो जब भी सेशन एंड हो जाए कमेंट में जाकर जो भी तुम्हारी क्वेरी है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, है ना, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर वगैरह अगर वो है तो उसका यूज़ करो, तुम नॉर्मली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बच्चे फिर मिसयूज़ करते हैं, मैसेज कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर कैसे हो, अब मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ, मेरी क्लास चल रही है, मैं उनका गुड मॉर्निंग रिस्पॉन्स दूँ, वो थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, एक साथ भाई 200-400 मैसेज आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख दो, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, जितने बच्चे हैं लगभग 10 कमेंट हैं उसमें, आप देखोगे पिछले कल वाले लेक्चर में मैंने सबका रिप्लाई किया, बाद में देखता हूँ ना कितने बच्चे देख रहे हैं। ग्लॉटिस इज एन ओपनिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ, सबको पता है, ट्रैकिया, बिल्कुल क्लियर, 17 की बातें समझ में आ रही, सॉरी ये सॉरी ट्रैकिया, फैरिंग्स, क्योंकि उससे फिर आगे फैरिंग्स खुला और फिर वो ट्रैकिया के फॉर्म में गया, तो इट इज़ द ओपनिंग ऑफ वॉट फैरिंग्स, इस वर्ड को याद कर लेंगे, ठीक है ना, 17th की बात कर रहे हैं, 17th, ठीक है, कहानियाँ क्लियर, 17th की बात करेंगे, फैरिंग्स के साथ में ओपन हुआ ना कि ट्रैकिया। चल, लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाई, बड़ी अच्छी सी लाइन दे रखी है, लंग्स किससे प्रोटेक्टेड है, तो ये कंसेप्ट सीख लो, ये आपका सामने क्या है, स्टर्नम है, पीछे आपके रिब्स हैं, जो रिब्स कह रहा हूँ, जो वर्टेब्रल कॉलम है, और यहाँ से आपके रिब्स गए हैं बच्चे ना लेटरल फॉर्म में, तो डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, तीन बातें ही याद रखेंगी है ना, और ऊपर आपका वो जो क्लाविकल वगैरह है, और नीचे से डायफ्राम, और ये पूरा मिलाकर एक थोरेसिक चैम्बर बनाता है, और ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत प्यारी लाइन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा उसके लिए तुमको, थोरेसिक चैम्बर समझने के लिए, ये तो थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड बाय डॉर्सली बाय वर्टेब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स, एंड ऑन द लोअर सर्फेस डायफ्राम। तो पूरा पूरा थोरेसिक चैम्बर बना रहा है बच्चे, पूरा पूरा थोरेसिक चैम्बर बना रहा है, राइट। तो इस थोरेसिक चैम्बर को अच्छे से समझेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को वर्टेब्रल कॉलम भी है, रिब्स भी है, और स्टर्नम भी है, तो 18th का आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज, वंडरफुल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट डायमीटर, और ये क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया, शुरुआत से नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल से फिर आगे गए, फिर वो लैरिंग्स, फैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, और फिर फाइनली ट्रैकिया के साथ में वो प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे जाते हुए आपको पता है वो राइट ब्रोंकस, फिर लेफ्ट ब्रोंकस, फिर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और फाइनली सबसे पतला कौन हो गया, ऐसे बनाया। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो मेरा मेथड भी यही होता है कि मैं कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी उठाकर इसमें डाल दूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो तुमको वो समझना होगा। तो आंसर विल बी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, जो सबसे लास्ट में, सबसे पतला, ठीक है। तो 19th का आंसर आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात यह कि हर क्वेश्चन एक्सप्लेन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी, या मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ एनिमल टिश्यू से चुराया हुआ और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से चुराया हुआ क्वेश्चन। लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ, बड़ा
अच्छा क्वेश्चन है, और एनिमल टिश्यू पढ़ोगे ना तो आधी ह्यूमन फिजियोलॉजी तो वैसे ही तुमको सारे टिश्यूज पता चल जाएंगे कहाँ पर कौन सी लाइन्स है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, यस स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, क्या वर्ड यूज किया, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, बहुत प्यारा सिंपल फॉर्म में आपको ये चीज़ें याद रखनी है ना, बहुत ही सिस्टमैटिक आपको ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी, ठीक है, सिस्टमैटिक अच्छे से, वंडरफुल। तो लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ, डन, चलो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 21, ईच टर्मिनल ब्रोंकाई गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर। 21 का बताओ भाई, 20 का तो सी हो गया, बिल्कुल ठीक है, सैंडी है, सबनम है, स्नेहा है ना, काफी बच्चे हैं, और शेड्यूल को फॉलो कर लो, तुम्हारा फायदा होगा, क्योंकि इसके जस्ट इस यूनिट के बाद मैं जेनेटिक्स शुरू करूंगा। किसी बच्चे ने बोला सर आप पैरल में 12th भी शुरू करो, मैंने भी सोचा था, बट उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती, जैसे ही एक पूरा खत्म हो फिर अगला शुरू करने से क्लैरिटी रहती है। तो नेक्स्ट यूनिट मैंने शेड्यूल में भी डाला हुआ है, जेनेटिक्स डालेंगे हम लोग। 21 एल्विलाई, सिंपल। 21 का क्या हो गया बच्चे, एल्विलाई, कृतिका, बहुत अच्छे बेटा, मिराकल बॉय, अनुष्का, है ना, ठीक है भाई, लास्ट में ना तो एल्विलाई की बात कर रहे हैं। एपिग्लॉटिस बनता किससे बच्चे, एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज या इलास्टिक कार्टिलेज या कैल्सिफाइड कार्टिलेज। 22 की बात करें, सिंपल, जल्दी से बताएंगे बच्चे, एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ इजी फाइब्रस, हाइलिन, इलास्टिन। तो 22 का आंसर आई नीड 22 का आंसर, और काफी बच्चे गलत करने वाले हैं, वंडरफुल। चलो भाई देख लेते हैं, ढूंढे, ये देखो छिपा हुआ, अ थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप, और ये है ना, तो चीजों को आपको प्रॉपर समझना होगा एपिग्लॉटिस में, 22 में, है ना, कहानियां समझ रहे हैं, 22 आंसर क्या हो गया, इलास्टिक कार्टिलेज, यही तो दिया ना, ये देखो 22 में इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप, दैट इज एपिग्लॉटिस, इलास्टिक कार्टिलेज ना, ना कि हाइलिन या कुछ, जिन बच्चों ने बी लगाया कुछ लगाया, तो आंसर विल बी वॉट इलास्टिक, ठीक है ना, क्लियर, याद रखेंगे, वेरी गुड। कवरिंग ऑफ लंग्स, उनको क्या बोलते हैं, लंग्स की कवरिंग को बच्चों क्या बोलते हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो सच में एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं, दे आर रियली कन्फ्यूज्ड, यार पढ़ता तो सारा हूँ, फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं एलिमेंट्री और यूएसएस ऐसी बुक्स पर कि चलो डीप पढ़ेंगे तब नंबर आएंगे, नहीं, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ो तब नंबर आएंगे, और ढंग से मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, कंसेप्ट किसी से भी पढ़ लो यार, है ना, बहुत सी मैडम वगैरह अभी लाइव भी हैं, है ना, तो चीज़ें आपको करनी है ना, आपको करनी है सिस्टमैटिक फॉर्म में, जितना आपको कर सको उतना अच्छा है, सिस्टमैटिक। और YouTube पर बहुत से लेक्चर्स अवेलेबल हैं, देखना चाहो देखो, मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, सिंपल पढ़ाई नहीं जी होती, ये तरीका है, आप आगे भी देखोगे या पुराने लेक्चर्स देखोगे। तो आई रियली वॉन्ट कि जिस बच्चों के नंबर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहे थे, इस पूरी सीरीज को लगातार देखो, तुम्हारा फायदा और तुमको डिफरेंस ही समझ में आ चुका है, राइट, तभी तुम यहां हो और तभी मैं भी यहां हूं, है ना। क्या बोलते हैं भाई, कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड, 23 यहीं कहीं छिपा हुआ है भाई, बता दो, डबल लेयर्ड प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन ना, और उसके बीच में प्लूरल फ्लूड भरा हुआ है, यही तो, यहाँ पर देख लें, प्लूरल मेम्ब्रेन, ये पेरिटोनियम वगैरह की बात अलग हो गई, पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्र मतलब वो कार्टिलेज, पेरिकार्डियम हार्ट, हार्ट के बाहर की लेयर, आंसर बी, बिल्कुल क्लियर। 24 वंडरफुल, बहुत अच्छे, लगे रहो भाई। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा इट इज डबल, ये किसके बारे में है, इट इज डबल लेयर्ड एंड कवर्ड द लंग्स, ये देखो लिखा हुआ है ना, पढ़ू, वी हैव टू लंग्स विच इज कवर्ड बाई डबल लेयर्ड प्लूरा विथ अ प्लूरल फ्लूड इन देम, रिड्यूस फ्रैक्शन ऑफ द लंग सर्फेस वगैरह वगैरह, यहीं से क्वेश्चन बना दिया। आउटर लेयर इन कॉन्टैक्ट विथ थोरसिक वॉल, वहीं आगे लिखा हुआ है, फ्लूड इज प्रेजेंट बिटवीन दीज लेयर, बिल्कुल ठीक, इनर लेयर इन कॉन्टैक्ट विथ लंग्स, और ये हमने बात कर ली किसकी, हाँ जी किसकी बात कर ली, तो पेरिटोनियम तो है नहीं जी, अभी अभी काटा लगाया, पेरिकार्डियम तो है नहीं, पेरिकॉन्ड्रियम भी नहीं है, आंसर जी प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा, दोनों बातों में। तो आंसर 24 का, बातें समझ में आ रही हैं, बातें क्लियर समझ में आ रही हैं,
एक लाइन पढ़ो और उसका क्वेश्चन बना दो, क्या बेहतरीन समझ में आता है। और सोचो अभी भी कितने कम बच्चे इसको जानते हैं, है ना। ये तुम्हारी ड्यूटी है, शेयर करो, है ना, बताओ लोगों को, यार कुछ अच्छी चीज चल रही है कहीं पर। तुमको अगर मैं आज की डेट में एक चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूं, ठीक है, तो तुम चैप्टर पढ़ोगे। बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट क्या लगाते हैं, चलो यहां पढ़ लेते हैं, चलो इस वाले यूट्यूब चैनल पर पढ़ लेते हैं। मुझे सपोज जाना है दिल्ली, ठीक है, मुझे दिल्ली जाना है, मैं गुड़गांव में हूं, मैं दिल्ली जाना। दो रास्ते हैं, दोनों ही तरीकों से मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, एक अपनी खुद की पर्सनल कार और दूसरा लिफ्ट लेकर। दूसरा क्या, लिफ्ट लेकर। तो जी उससे पूछा, जी भाई साहब राजीव चौक, वो दिल्ली जाओगे? नहीं भाई, राजीव चौक तक जाऊंगा। चलो वहीं तक छोड़ दो। राजीव चौक से फिर से मैंने लिया, भाई कहां तक जाओगे? भाई पंजाबी बाग तक जाऊंगा। चलो वहीं तक छोड़ दो। अब वहां से फिर से, तो आप जगह जगह भटक रहे हो, सिर्फ लक पर चल रहा है। और जिस बच्चे को ये नहीं पता उसको दिक्कत आएगी, बट द थिंग इज, अपनी कार हो या खुद का पर्सनल ड्राइवर हो तो सीधे आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक सिस्टमैटिक प्लस, जो बच्चे पूछते हैं पहुंच तो उसमें भी जाओगे सर, पढ़ तो लेंगे, यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, और एक सिस्टमैटिक चीज़ें होना, उसमें डिफरेंस है। तो पढ़ाई इसका कॉम्बिनेशन है, इस बात को समझना, सिस्टमैटिक और जंप कर करके। मैंने यहाँ से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया, यहाँ से मैंने बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन कर लिया, हो गया वाह। मैंने घर वालों के कितने बचाए, मैंने घर वालों के बचाए 27,000 रुपये, क्योंकि मिनिमम फीस है अपनी अन अकेडमी पर 27,000 रुपये। लेकिन उसकी वजह से जब एक साल रह गए ना, तो फिर एक साल का वेट किया और फिर वो 27,000 और लगाए, तब लगाया या क्या पता तब भी नहीं लगाया, तो वो डिफरेंस आ जाता है, इसको समझना। 25, द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल कंस्टिट्यूट द, इसको हम क्या कहते हैं, 25 पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यहां से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक की बात करें, यहां यहां यहां। सर ऐसा कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, 25 मिल जाओ, आबड़ा का डाबड़ा 25 आ जाओ। ये देखो, पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल विद द टर्मिनल ब्रोंकियोल, अगर हाईलाइट नहीं किया तो हाईलाइट कर लो, हाईलाइट नहीं किया तो हाईलाइट कर लो, कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम यही लिखा है, मुझे तो और पता नहीं, वहां लिखा था इसलिए मैंने डी ऑप्शन टिक कर दिया। क्या कर सकते हो ऐसा? समझ रहे हो, समझ रहे हो? अगर नहीं लिखा था या नहीं हाईलाइट किया था तो कर लेना, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें 10 बच्चे हैं जिनको नहीं आता, तो सिर्फ वो कर लो, मे बी बाकी बच्चों को आता हो, क्योंकि अब तुम ट्रेन हो रहे हो कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। 26 की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक्सचेंज पार्ट में क्या क्या होता है? सिर्फ ब्रोंकाई या सिर्फ ब्रोंकियोल? काफी कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग? हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी है ना, हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी है, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मुझे भले ना पता हो कि एल्वियोलाई और उसके डक्ट का क्या नाम है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है अगर, तो मैं यहां जाऊंगा और एल्वियोलाई और डक्ट पर टिक करूंगा बिना सोचे, मुझे ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा, मैं कॉन्फिडेंट भी हूं अपने आंसर पर, और मैं जो टाइम बचा, जो खुशी मिली, जो कॉन्फिडेंस मिला, उस कॉन्फिडेंस से मैं फिजिक्स केमिस्ट्री फोड़ कर आऊंगा। ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी पढ़ो, फायदे में रहोगे। तुम्हें नहीं पता अभी एनसीईआरटी पढ़कर, एनसीईआरटी सिर्फ, देखो बायोलॉजी आपको 3 फायदे देता है, अगर मेरी बात सुनना चाहते हो तो। बायोलॉजी आपको 360 नंबर देने का प्रॉमिस करता है, वो तुम्हारे ऊपर है तुम कितना लेते हो। 360 मतलब 50% वेटेज ऑफ योर नीट सिलेबस, पहला फायदा। दूसरा फायदा, बायोलॉजी का कॉन्फिडेंस आपको फिजिक्स में फायदा देता है और केमिस्ट्री में फायदा देता है, क्योंकि जब 45 मिनट्स में या 40 मिनट्स में आपने जब बायोलॉजी कर ली, और वो भी 40 मिनट में 50% सिलेबस कर लिया, जरा मेथड देखना, तो अब जो बचे 2 घंटे 20 मिनट, उसमें प्यार से एकदम फ्रंट फुट पर आकर खेलो ना जितना खेलना है फिजिक्स केमिस्ट्री, समझ रहे हो। और फिर जब कॉन्फिडेंस और जब टाइम दोनों ही दे दिया तुमको बायोलॉजी ने, तो तुम अच्छा करोगे, कन्फर्म अच्छा करोगे, तो इंपॉर्टेंस फील करो। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज ऑफ लंग्स, तो भाई गैसियस एक्सचेंज एक ही जगह पर होता है, सबको पता है ना। 27 की बात कर रहा हूँ, गैसियस एक्सचेंज एक ही जगह हो रहा है, कहाँ पर?
यहाँ तो होता नहीं जी, प्लूरा में तो होता नहीं, ये तो होता नहीं जी, एल्वेलाई सबसे छोटा, सबसे लाइक सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, ठीक है, एल्वेलाई। प्लूरा इज अ डबल मेम्ब्रेन सैक विच एनवेलप, किसको कवर करता है, लंग्स को करता है। अभी अभी देखा क्यों बार बार वहीं घूमना चाहते हो, राइट। चलो भाई, डन डन डन, क्लियर। चलो ओके, प्लूरा इज डबल मेम्ब्रेन सैक विच डेवलप, राइट, लंग्स, बिल्कुल क्लियर। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सिंपल, जरा सिंपल सा आंसर है तो बताइए दो, कंडक्टिंग पार्ट इसमें से कौन कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा फंक्शन में, रिमूवल ऑफ फॉरेन सब्सटेंस पार्टिकल्स फ्रॉम इनकमिंग एयर, ह्यूमिडिफिकेशन, या ब्रिंग टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। यार ये अजीब अजीब सी चीजें हैं, क्या ऐसा कुछ एनसीईआरटी में है, या ऑल ऑफ देम लिखा है इसलिए मैं तुक्का लगा दूं, एनसीईआरटी से ढूंढेंगे इसको। 29, कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई, क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, जो भी बाहर से हवा आ रही है उसमें से फॉरेन पार्टिकल को क्लियर करता है, ह्यूमिड बनाता है, और एयर को बॉडी टेम्परेचर से मैच कराता है, एयर कंडीशनर ऑफ द बॉडी इसी को बोलते हैं, समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चंस आते हैं, कभी ढंग से क्वेश्चन करने बैठो तो मजा आएगा, स्पेशल क्लासेस रोज मेरी लगानी है, मॉर्निंग में 9 o'clock होती है, समझ गए तो अच्छी बात, वरना तो ओवर कॉन्फिडेंस में जिंदगी बीत रही है, क्यों, सिस्टम तुमको बनाना पड़ेगा, सिस्टम तुमको देना है। अच्छा तुम एक चैप्टर उठाकर देखो, अगर तुमको कंपेयर करना है ना कभी कभी कि अनुराग सर कैसे पढ़ा रहे हैं, तो मैं वो टीचर हूं आपके लिए बच्चों जो आपको एनसीईआरटी की हर लाइन की वैल्यू समझा रहा हूं, तो जो टीचर इस एनसीईआरटी की हर लाइन की वैल्यू समझा सकता है तुमको, उसकी प्लस की क्लासेस कैसी होंगी, समझ रहे हो, तो तुम एक लेक्चर उठाओ एनसीईआरटी सारांश का मेरा, और उसी का किसी अच्छे तुम्हारे फेवरेट टीचर के साथ में बायोलॉजी का लेक्चर उठा लो, क्या उसने उस पूरे लेक्चर में वो पर्टिकुलर टॉपिक कवर कर रखा है। मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ पढ़ कर तुमको बता दी कि ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, उस डीप में भी गया, क्या उस थ्योरी के लेक्चर में है क्या वो, तो बात कंपेयर की नहीं है, बात ये है कि चूज करो उसको जिससे तुम्हारा सच में फायदा हो, वरना तो एक घंटे में हर कोई एक चैप्टर पढ़ा सकता है, मैं भी, वो भी, वो भी, तुमको चूज करना है सिस्टमैटिक फॉर्म में। तो यहां पर 30 में डैश दे रखा है, और ये मैं आगे करने वाला हूं, इस पूरी सीरीज खत्म होने के बाद मैं यही करूंगा, एक दिन में एक चैप्टर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में फिल तुमसे करवाऊंगा, फिल लिखूंगा मैं लेकिन करवाऊंगा तुमसे। 30 का आंसर बहुत प्यारा सा, सिंपल सा, डैश इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन है ना, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, तो ये कहानी आपको ऑलरेडी पता है, और एक्सचेंज साइट इज एल्वेलाई एंड देयर डक्ट, एल्वेलाई एंड देयर डक्ट, बिल्कुल क्लियर, बातें समझ में आ रही, अच्छी। अगली बार, इवन वेन एयर इज एबसेंट द ह्यूमन ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स, तो बड़ी कॉमन सी बातें हैं, क्यों नहीं कोलैप्स होती, सबको पता है, टर्गर प्रेशर, बॉडी में टर्गर प्रेशर से बोनी रिंग्स वैसे तो होती नहीं, काइटिन की रिंग नहीं, कार्टिलेजनस रिंग, बिल्कुल क्लियर, जाने की जरूरत ही नहीं वहां पर, बिल्कुल क्लियर, यस। चलो भाई, द चैम्बर फॉर्म्ड डॉर्सली बाई वर्टेब्रल कॉलम, द चैम्बर फॉर्म्ड डॉर्सली बाई द वेंट्रल कॉलम, वेंट्रली बाई स्टर्नम, अभी अभी बताया था, लेटरली बाई रिब्स एंड लोअर बाई डोम शेप डायफ्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी अभी बोला, थोरसिक चैम्बर, क्या वर्ड यूज किया, इजी एंड सिंपल, इजी एंड सिंपल, क्या थोरसिक चैम्बर, बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल, आसान, ठीक है, अभी अभी बात हो गई थी, हालांकि तुम मार्क करना चाहो तो यहां पर 32 का भी आंसर यही वाला वर्ड आ जाएगा, यही वाला पैराग्राफ आ जाएगा, यहां से मार्क कर लेना। 33, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो प्लूरल मेम्ब्रेन रिड्यूस द प्रेशर, बिल्कुल ठीक है, 33 की बात कर रहे हैं बच्चे, एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थॉरेक्स इज इन सच अ वे एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थॉरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन टू द पल्मोनरी कैविटी या लंग कैविटी, बिल्कुल ठीक बात है ना, और इससे आपका पल्मोनरी वॉल्यूम फर्क पड़ेगा, सपोज वहां पर रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो गया तो आपकी सांस लेने में दिक्कत आएगी, छोटी सी लाइन दे रखी है वहीं पर नीचे।
ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकियल एंड इनिशियल ब्रोंकियल आर सपोर्टेड बाई कंप्लीट कार्टिलेजनस रिंग, नहीं बाई कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट, सी शेप्ड ना, सी शेप्ड। तो ये बातें गलत हो गई तो आंसर भी यही चला जाएगा, सी विल बी द आंसर। बिल्कुल क्लियर गलत दे रखा है। 33 डन, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छे। तो 33 का आंसर क्या हो गया? चलो भाई अब जरा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन पर आते हैं बच्चों, 34 की बातें करें। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन, सांस जब अंदर ली, और हमारी जो सांस हम लोग लेते हैं दैट इज ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। हमारी जो सांस होती है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, एनसीईआरटी में कीवर्ड है, अगर ढूंढोगे तो यहीं कहीं लिखा होगा, रुको, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, वेट, हाँ ये देखो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, ये प्रॉपर लाइन दे रखी है यहाँ पर, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। अब नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग में क्या है, हम सांस को अंदर नहीं खींचते, हम अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो बाहर के प्रेशर अंदर आ जाते हैं, बाहर के प्रेशर अंदर आ जाते हैं, दिस इज द मेथड, राइट। तो ये 34 का आंसर बड़ा प्यारा सा दे रखा है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब डोम से फ्लैट हो जाएगा, और एक्सटर्नल इंटरकोशल मसल कॉन्ट्रैक्ट, आंसर विद दिस, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स तो वैसे भी नहीं हुआ, ये दोनों उड़ा दो, और डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नहीं, इसकी जरूरत अभी यहां नहीं है, तो आंसर विल बी 34 का सी, वंडरफुल। बातें समझ में आ रही हैं? चलो भाई अगली बात, तो वहीं पर आपको प्रॉपर दे रखी चीजें। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम क्या हो जाता है? इंस्पायरेशन, अभी अभी बात मैंने की, तो डोम से फ्लैट हो जाता है। क्या बोला? 35 की बात कर रहे हैं। डोम से क्या हो गया बेटा? नॉर्मली कैसा, जब रिलैक्स होता है तो डोम शेप, और अदरवाइज फ्लैट हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट। तो फ्लैटन का मतलब क्या होता है? हमेशा फ्लैटन का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और डोम का मतलब वो हो गया रिलैक्स। ये नहीं होगा, एक्सपैंड वगैरह से रिलेशन नहीं है, और ये नो चेंज वाली बात। तो आंसर विल बी व्हाट? बिल्कुल सिंपल सी, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। कभी समझना हो तो मुझे बता देना, मैं एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो अगली बात, एक्सपायरेशन इन्वॉल्व, एक्सपायरेशन में क्या होता है? अच्छा, इसका बिल्कुल रिवर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलैक्स हो, जो फ्लैट था ना डायफ्राम वो अब मतलब डोम शेप हो गया, मतलब रिलैक्स हो गया, ठीक है, और इंटरकोस्टल मसल्स भी, तो कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ ही नहीं एक्सपायरेशन में। 36 की बात कर रहा हूँ बच्चों, 36 की बात कर रहा हूँ, तो कॉन्ट्रैक्शन तो वैसे ही नहीं हुआ, किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, सिर्फ रिलैक्सेशन हुआ, और किसका? डायफ्राम का और इंटरकोस्टल। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डायफ्राम जो है वो मतलब फ्लैट से डोम हो गया, तब भी उसको रिलैक्सेशन ही बोलेंगे, कंसेप्ट तुमको समझना है ना, और इंटरकोस्टल मसल्स जो थे वो तो रिलैक्स हो गए, मतलब जो बाहर फॉरवर्ड हुए थे वो बैकवर्ड हो गए, इसको भी रिलैक्सेशन बोलेंगे, राइट। अगली बात करेंगे, डन डन डन, वंडरफुल, बहुत अच्छे। शुभांकर है, सबनम है, सिरदा अंशारी है, दिव्या है, वरुण, प्रेम, स्नेहा, वंडरफुल, बहुत अच्छे, लगे रहो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ए टू डी यूजुअली टेंस टू अकर इन प्लेन ड्वेलर्स, क्या वर्ड यूज किया? प्लेन ड्वेलर्स, ड्वेलर्स समझते हो ना, घूमते हैं जो, बहुत सिंपल सी लाइन दे रखी है। When they move to higher altitude, when they move to what higher altitude? When they move to what higher altitude? Higher मतलब ऊपर चढ़, altitude ऐसे याद किया करो, कई बार बच्चे confuse होते हैं, मुझे बताना तुमको ये पता था या नहीं पता था, yes or no में answer देना ना, मैं सिखा रहा हूँ एक छोटी सी चीज़, एक trick, एक होता है latitude और एक होता है altitude, A for altitude और पहाड़ बना दिया ऐसे, A मतलब ऊंचाई, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, लैटिट्यूड का मतलब, ये देखो ये अर्थ है, यहाँ पर इक्वेटर है और यहाँ पर पोल है, तो डिग्री यहाँ पर 0 डिग्री, फिर 20, फिर 40, फिर 60, 80, फिर यहाँ 90, तो दिस इज लैटिट्यूड, यहाँ ऊंचाई पर नहीं जा रहे, इक्वेटर से पोल पर जा रहे हैं, तो वो लैटिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड ग्रेडियंट पड़ा होगा बायोडायवर्सिटी में, और एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ए फॉर, ऐसे याद करो, ये पता था या नहीं बताना, ऐसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट छोटी सी बात। तो क्या होता है, तो जब भी आप हायर एल्टीट्यूड पर जाओगे तो आपकी एक बात ठीक है, इंक्रीज इन आरबीसी, सेल साइज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आरबीसी का साइज नहीं बढ़ता, उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, दैट इज इंक्रीज इन, है ना, बातें समझ रहे हो, तो इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स, वन थिंग। अच्छा, इसका मतलब वन तो नहीं होगा, इसको उड़ा दूँ, इसको भी उड़ा दूँ, अब टू और थ्री और जो है, अच्छा टू तो कन्फर्म है, तो ये टू यहाँ है नहीं, तो यहाँ हटा दिया, टू और फोर विल बी आंसर। इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स की बात करते हैं, ठीक है,
तो वो दोनों ही चीजें आपको यहां पर समझ लेनी होंगी। हालांकि तुमको सिर्फ सेकंड भी आता है ना तब भी तुम आंसर टिक कर लोगे, तो दोनों कंसेप्ट को आपको यहां समझना होगा। आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एल्टीट्यूड सिकनेस तुम्हें वहां पर भी पढ़ा हुआ है। चलो 38 का आंसर बताओ भाई, इन एल्वियुलर एयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा? वो नहीं बॉक्स सा बना हुआ, जल्दी से बताओ, 38 की बातें कर रहे हैं। हां जी बच्चे, यहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। इन एल्वियुलर, जल्दी से बताओ, 38, तो यस आंसर विल बी व्हाट, 40 mm ऑफ HG, बिल्कुल क्लियर। चलो भाई इसको रीअरेंज करो, मजा आएगा। 39 रीअरेंज करो, काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड कृष्णा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द रेस्पिरेशन प्रॉपरली, क्या होता है 39 में, क्या है स्टेप? तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन, बिल्कुल ठीक बात है, राइट। सेकेंड में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हो जाएंगी एल्वुलर मेम्ब्रेन में, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड के अंदर। अरे तो सिक्वेंस में लिखा यार, गुड। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। और फाइनली यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल, बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5 घुमा सकता था लेकिन मैंने कहा ठीक है, जो चीजें पॉसिबिलिटीज हैं सिंपल लैंग्वेज में। सिरदा कह रही सर प्लीज मेरा नाम ले लो। चलो भाई अगले की बात कर रहे हैं। एक्सपायरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ, एक्सपायरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ, बहुत सिंपल सी बातें कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल सी बात, ठीक है, आसान और इजी, ठीक है, आसान और इजी, बहुत आसान। एक्सपायरेटरी मसल्स की बातें की जा रही बच्चों, अभी बताया था एक्सपायरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ, यहां पर लिखा भी हुआ है, वैसे हाईलाइटेड फॉर्म में आप देखना चाहोगे ना तो चीजें आपको प्रॉपर मिलेंगी, सब कुछ हाईलाइट कर रखा है ना, तो यहीं कहीं आपको 40 में मिल भी जाएंगी एक्सपायरेटरी मसल, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम और ये वो। तो जब आप 40 की बात करेंगे तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब करोगे तो एक्सपायरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर विल बी व्हाट, सी सैंडी ने ठीक किया, बातें समझ में आ रही है, सैंडी ने बिल्कुल ठीक किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा, 41 बताओगे तो अच्छा लगेगा, 41 बताओगे तो अच्छा है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखो इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, ये बात याद कर लेंगे, ठीक है, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है ना कि पैसिव, और उसी तरह से एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है ना कि एक्टिव, और दोनों ही पैसिव तो नहीं है। आंसर विल बी व्हाट, ए, 41 का आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, ईजी, आसान, सिंपल, कर लोगे। चलो भाई बहुत अच्छी बात, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलर एयर अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अकर बाय, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलर एयर अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अकर बाय, कैसे होती है, गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। 42 आंसर क्या हो गया, बिल्कुल ठीक है, एक्सचेंज कैसे होता है, ऑस्मोसिस नहीं, वहां तो अलग बात है, डिफ्यूजन, क्योंकि यहां पर सॉल्यूट चीजें जा रही ना, चलो भाई डिफ्यूजन की बात नहीं करेंगे। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन बीइंग कितना रेस्पायर करता है, एक मिनट में कितनी सांस ले लोगे? हाँ जी, हेल्दी ह्यूमन बीइंग रेस्पायर 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, बिल्कुल ठीक, 12 to 16, बिल्कुल क्लियर। आखिरी के दो क्वेश्चन बच्चों, आखिरी के दो क्वेश्चन, दो मिनट दो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन बाय द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल, है ना, जल्दी से बताएंगे, एडिशनल मसल, यहां पर एक लाइन दे रखी है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन एब्डोमेन, एब्डोमिनल मसल्स होती हैं जो फोर्सफुल, स्नीजिंग हुई ना आपके पेट की मसल यूज होगी, एब्डोमिनल मसल यूज होगी, इस बात को समझेंगे। सो एब्डोमिन, 44 का क्या हो गया, हाँ जी 44 का क्या हो गया, ए ऑप्शन, बिल्कुल क्लियर। और आज का आखिरी का क्वेश्चन, आज का आखिरी का क्वेश्चन, राइट, मैच द फॉलोइंग, ये अपना जो नहीं वो टाइडल वॉल्यूम ये और वो, इसका प्रॉपर मैं अलग से कंसेप्ट समझाता हूँ हालांकि, तो मैच द फॉलोइंग की बात की है, इसको मैच कर गए तो मजा आ जाएगा। 45 की बात करें, हालांकि पूरी एनसीईआरटी में बड़े प्यार से पूरा
सिस्टम ही दे रखा है ना, ये वाला टाइटल और ये और वो पूरा पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रूर सही होना चाहिए और रटा होना चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ रटा होना चाहिए। 45 बहुत सिंपल, एक बात तो तय है कि ए का तो ई है, ठीक है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, मैं तो मैच करूंगा। दूसरी बात है ना, दूसरी बात ये कंफर्म है कि जो यहां पर और क्या मुझे क्लियर है, बहुत क्लियर। अच्छा, 7 का एफ है, असली मजा आएगा कहां से, जो यूनिक है ना, जो यूनिक है, और मैं यूनिक ढूंढ रहा हूं एक्चुअली, है ना। तो मैं देखता हूं यहां पर क्या, 4 रेजिडुअल वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम में आपको ये बिल्कुल क्लियर है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो 4 का सी कहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, मेरी आधी टेंशन खत्म कर दी मैंने अपनी आप खुद ही। अब 3rd का क्या है, तो ये जो 3rd, चलो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा हो तो 5 का समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये उड़ा दिया मैंने और ये उड़ा दिया, बी और डी में से आंसर जाएगा, और 5 में समझ लेते हैं, 5 या 6 समझ लें, 6 से समझते हैं, मजा आएगा, ठीक है। 6 आपके लिए अच्छा है, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, ना कि डी ऑप्शन, बात समझ पा, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायर, नहीं ना, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी सबको मिला दिया तो टाइडल वॉल्यूम। आंसर क्या चला गया बच्चों, आंसर चला गया डी, बिल्कुल क्लियर, आंसर चला गया डी, बिल्कुल क्लियर। तो ये बहुत सिंपल सा था, इजी सा था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कल इसी के आगे बच्चों पढ़ेंगे सिंपल। एंड एक चीज़ के लिए मैं बड़ा थैंक्स देना चाहता हूँ, मॉर्निंग में स्पेशल क्लासेस में भी बच्चों को थैंक्स बोला, तुम लोग भर भर के मुझे वो हैट वगैरह जो देते हो वो तो मैटर करता ही करता है, काफ़ी मैटर करता है फ्रेंकली, बट जो कंटेंट लिखते हो ना वो मुझे मोटिवेशन देता है, जो हैट देते हो या जो भी चीज़ें देते हो खूब भर भर के, और ढेर सारे, बहुत ज़्यादा नहीं, जितने बच्चे मुझे जानते हैं जो मुझसे पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पर, सो इन सब चीज़ों के लिए थैंक्स, है ना, अच्छे से पढ़ते रहो, और कुछ भी ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत है तुम, ये मेरा नंबर है, दिस इज़ माई नंबर, 9599 मेरा नंबर नोट कर लो, किसी में डाउट है, कुछ कहना चाहते हो, प्लस में कोई दिक्कत आ रही, 9599244666, राइट डाउन माई नंबर, ठीक है, बट इसका यूज़ करना, मिसयूज़ मत करना, 9599244666, ठीक है, इसका यूज करना, बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करेंगे, एक चीज, ठीक है। एंड यूज कर लेना कोड 80 सर, और उसको करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना इस पर, तो जो भी चीज़ें मैं कंटेंट वाइज आप लोगों के लिए बनाता हूँ इन बच्चों को पहले ही, वैसे मेरे पास मैसेज भी आ जाता है कौन कौन से बच्चे हैं जो प्लस पर मेरे कोड के थ्रू आ रहे हैं, बट स्टिल आई रियली वॉन्ट कि सारे बच्चे साथ में जुड़ो, लग कर करो। और मॉर्निंग में 9 o'clock मेरी डेली क्लास होती है, 9 से 10, 5-10 मिनट आगे पीछे, कभी मान लो क्लास आगे हो गई या पीछे हो गई बस, लेकिन है वो लगभग यही, मॉर्निंग 9 to 10, शाम को 7:30 NCERT सारांश अपनी सीरीज, ठीक है, खूब मेहनत से पढ़ो, कुछ भी डाउट हो डायरेक्ट मैसेज करो यार, डायरेक्ट मैसेज करो, बट जेन्युइन चीज़ें, ठीक है, खूब लगे रहो, कुछ पूछना है तो मुझे बताओ, और मेरा टेलीग्राम नीचे दे रखा है, अदरवाइज ये आपको जो दिख रहा है ना बच्चों, ये नीचे जो दे रहा है कहाँ पर, ये तो इसी के आगे, जो एडी सर है इसी के आगे अनअकैडमी लिख दोगे तो आप मेरे टेलीग्राम तक भी पहुंच सकते हो। अनअकैडमी नीट प्रो एक है, अनअकैडमी एटी सर है, दोनों ही ऑप्शन है, तो ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो चलो बच्चों खूब अच्छे से पढ़ाई करो, और वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले, वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मुझे भी पता चले, कमेंट कर दिया करो अपने डाउट्स, जैसे जो भी बच्चे कमेंट करते हैं मैं ज़रूर वहाँ जाकर देखोगे पुरानी वीडियो में, तो मैं वहाँ पर बच्चों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, है ना, जितना मुझसे हो पाता है। तो 10 कमेंट हैं इस टाइम, सबके रिप्लाई प्रॉपरली दे रखे हैं। मेहनत से पढ़ो, लगकर काम करो, कोड यूज़ कर लेना जब भी प्लस पर आ रहे हो, क्योंकि अभी भी टाइम है, वो एक लिफ्ट ले लेकर जाने वाली बात होती है, और एक होता है सिस्टमैटिक पहुँच रहे हो जहाँ जाना है, ठीक है, सिस्टमैटिक पहुँचो, मेरे स्टाइल में पहुँचो, ऑटोमेटिकली सही जगह पहुँचाऊँगा। गुड नाइट, कल मॉर्निंग में 9 o'clock, ठीक है।